Good morning, students. Myself, R.K. Mishra, your chemistry teacher. Students, now we will discuss your ninth class chemistry as written above. Ninth class chemistry, that is topic solid, liquid and gases by R.K. Mishra. बच्चों, मैंने अपना नंबर डाल दिया ताकि आप इस नंबर को सेव करेंगे तो नोट्स को प्रॉपर तरीके से आप रिसीव कर पाएंगे. ठीक है, पिछला जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको बताया था कि मैटर क्या है, मैटर के टाइप क्या होते हैं. उसके बाद वीडियो आपका आ नहीं पाया था कुछ टेक्निकल फॉल्ट का. आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, इस पर हम डिस्कस करेंगे. बच्चों, आपको याद होगा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैटर और उसके टाइप में, मैंने आपको बताया था कि मैटर के अगर फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल बेसिस, इफ वी डन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द फिजिकल बेसिस, देन वी फाइंड आउट दैट देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बट इसके बाद और भी मैंने आपको बताया था, जैसे प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टीन स्टेट, और कुछ साइंटिस्ट तो कोलाइडल सोल्यूशन को भी मानते हैं. तो फिलहाल आप नाइन्थ लेवल में हैं, नाइन्थ लेवल में जो है चीज़ें वो देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. आज हम एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपने समझ लिया क्या पढ़ना है आपको नाइन्थ क्लास का. देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो देखो बच्चों, सॉलिड क्या होता है, अगर सॉलिड की बात किया जाए कि सॉलिड क्या है सर. देखो, सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस. हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ठोस. अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करेंगे हम, कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए, डेफिनेशन क्या होती है, देन द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट्स शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इफ द स्टेट ऑफ मैटर, इफ इट्स शेप एंड वॉल्यूम, इफ बोथ आर फिक्स्ड, देन इट इज टर्म्ड एज सॉलिड. केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैटर की वो अवस्था, जब उसका मैटर की वो अवस्था, जब उसका आकार, शेप, आकार, शेप और आयतन, दैट इज वॉल्यूम, ये दोनों फिक्स हो बच्चों, बिल्कुल फिक्स्ड, इनमें जरा सा भी चेंज ना हो, तब उसे आप कहोगे ठोस है ये सर, सॉलिड है ये. बात समझ में आ रही है? मतलब द्रव्य की वो अवस्था, द स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की वो अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों बिल्कुल निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, उसको नाम दिया जाता है ठोस. ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, दिक्कत होती है फिर उसमें. ठोस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जो ठोस की बनावट है, जो ठोस का आकार है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका, दैट इज़ देखें, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, लोग बहुत पास पास में होते हैं, आप जानते ही हो सर, बहुत पास पास होते हैं, कुछ इस टाइप के, कॉम्पैक्ट ओवर ईच अदर, ये टर्म होता है इनके लिए, कॉम्पैक्ट ओवर ईच अदर, ध्यान रखना, ये इतने पास पास होते हैं बेटा कि इनके बीच में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो लगभग नहीं होता. तो पहली बात तो ये कि इंटर सेलुलर स्पेस लगभग नहीं होता है, लगभग नहीं होता है, लगभग ना के बराबर नहीं होगा, पहली प्रॉपर्टी नोट करते चलना इसको, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पर बहुत ज़्यादा लगता है, ध्यान रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा बच्चों, इनमें ज़्यादा होगा, जिससे पार्टिकल आपस में बिल्कुल सटे हुए होंगे. इसी वजह से सॉलिड जो होती है वो आपकी रिजिड होती है बेटा. कैसी होती है? रिजिड, कठोर होती है. ठीक है, और पार्टिकल्स इतने पास पास में हैं जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण जो आपके सॉलिड हैं, दे कैन नॉट लीव द सरफेस ऑन वेयर दे आर केप्ट, दे कैन नॉट लीव द सरफेस, वो सरफेस को छोड़ नहीं सकते हैं.
इसीलिए आप देखोगे तो सॉलिड जो ठोस वस्तुएं हैं जैसे आपके ईंट पत्थर कुर्सी मेज जो भी हैं ये आपके सरफेस पे ही मिलेंगे, आपको ये सरफेस को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बहुत ज़्यादा लगेगा बच्चों तो अर्थ पर ही रहेंगे, ये अर्थ को छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात बच्चों सॉलिड में और आपको हम बता दें, चूँकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो इनको दबाया नहीं जा सकता है, तो कंप्रेसिबिलिटी लगभग इनमें नहीं रहेगी, कंप्रेसिबिलिटी नहीं रहेगी, आप सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं। आप कहेंगे कि सर अगर मार्कर है तो नॉर्मली अगर आप इसको दबाएं तो दबेगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है, बिल्कुल ये फिक्स्ड है, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, लगभग नहीं मिलेगी। ध्यान रखना मैं 9th लेवल की बातें कर रहा हूँ आपसे, चूँकि सॉलिड भी कई टाइप के होते हैं तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। आप एकदम डिटेल की बात करोगे सर सॉलिड में तो कुछ एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो टूट सकते हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ सॉलिड में। इसके बाद सॉलिड की जो एनर्जी होती है, चूँकि हमारे पास बेसिकली दो टाइप की एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी, जो चलने फिरने के कारण आती है, मतलब जो चलने फिरने के लिए बहुत आवश्यक है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, और जो एक जगह स्टेबल रहने के कारण प्रोड्यूस होती है उसको क्या नाम देते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी वो इसमें लगभग नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि सॉलिड जैसे आपने देखा होगा ना पानी ऐसे ऐसे लहर लेके चलता है इस तरह से, बट क्या आपने कभी पत्थर को देखा बढ़िया लहराते हुए चलते हुए, नहीं देखा होगा। कभी आपने कुर्सी को देखा बढ़िया लहराते हुए चल रही है, नहीं। लेकिन अल्कोहल को देखिए लहराते हुए चल सकता है, ग्लिसरीन को देखिए लहराते हुए चल सकता है, वाटर को देखिए चल सकता है, क्लोरोफॉर्म को देखिए चल सकता है, बट आपका सॉलिड ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट ओवर ईच अदर एंड देर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस ना होने के कारण ऐसा होता है। तो जल्दी जल्दी मैंने आपको 3-4-5 चीज़ें बताई, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी लगभग जीरो है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगभग जीरो है। हाँ, एक चीज़ संभव है बेटा, जैसे कभी आपने देखा होगा सर ये मोबाइल है, बिल्कुल सभी जानते हैं मोबाइल है सर, अगर मोबाइल को हम वाइब्रेशन मोड पे कर दें, अब ये भी तो सॉलिड वस्तु है, सॉलिड ही है, जी सर सॉलिड है, अगर हम इसको वाइब्रेशन मोड पे रख दें और कोई आपका भाई फ़ोन कर दे तो ये फ़ोन हिल सकता है ना, तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, वाइब्रेशनल एनर्जी इनमें देखी जा सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी देखी जा सकती है, लेकिन वो भी डिपेंडेंट होगी कंडीशंस पे। ऐसे नहीं कह सकते कि एक बैग कह देंगे कि वाइब्रेशनल एनर्जी है इनमें, बिल्कुल नहीं, वो कंडीशन पे डिपेंडेंट होगी। तो फिलहाल 9th लेवल की जो बातें हैं वो हमने आपको बताई, इन चीज़ों से आप सॉलिड को पढ़ सकते हैं। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं बच्चों, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, जैसे इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, MP, मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे आप पढ़ोगे लिक्विड में आ जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट, BP, ये दोनों बहुत आते हैं। मैं आपको बता दूं बड़े बड़े बच्चे BP के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, BP का फंडा क्लियर नहीं हो पाता है। MP तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं MP में, MP तो आप ऐसे बता देंगे। ध्यान रखो मैं आपको खुद बता देता हूँ MP क्या है, MP का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों यहाँ केमिस्ट्री में आपको जितने भी सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं अर्थ पर, इवन होल द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एवरीथिंग इज डायनामिक, हर एक वस्तु डायनामिक है, गतिशील है, और सबका विनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सबकी आयु फिक्स है, निश्चित है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जैसे कोई सॉलिड है तो वो पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, द पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड गेट्स मेल्ट पिघलना प्रारंभ कर दे, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, उसे क्या नाम दोगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब और डेफिनेशन में आ जाओ सर, जब एक ATM प्रेशर हो, प्रेशर कैसा हो आपका, एक एटमॉस्फेरिक हो, टेम्परेचर आपका सर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, पार्टिकुलर टेम्परेचर हो, ठीक है ना, तो जब पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड और गेट्स मेल्ट इंटू इट्स लिक्विड फॉर्म, दैट इज टर्म्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, उसे क्या नाम दोगे, मेल्टिंग पॉइंट नाम दोगे, ठीक है। यही पर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट बता दूं, क्योंकि ये है तो वैसे बेसिकली लिक्विड का, लेकिन MP BP दोनों एक साथ पड़ जाते हैं। बच्चों देखो कभी आपने देखा होगा अगर आप पानी को बर्नर पे गर्म करो
है ना, गैस के बर्नर पे आप पानी को रख दो, रख दिया सर। अगर आप गैस का बर्नर खूब तेज से अचानक से बढ़ा दो तो आप देखोगे कि सर बर्तन भले जल जाए नीचे से बट पानी तुरंत उबलना स्टार्ट नहीं करेगा। माइंड करना मेरे बात को, है ना, पानी तुरंत जो है उबलना स्टार्ट नहीं करेगा। वाटर कैन नॉट बॉयल्स इमीडिएटली, इवन यू कैन ब्रस्ट दी सिलेंडर, आप सिलेंडर को फाड़ डालो लेकिन वो बॉयल नहीं करेगा, बॉयल नहीं कर सकता है। तो होगा सर क्या, अगर हम पानी की बात करें, बच्चों बहुत तरीके से समझना, अगर हम पानी की बात करें तो ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, ये यहाँ पे पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अभी, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो है मॉलिक्यूल बहुत ही टाइटली फिक्स्ड हैं, बंधे हुए हैं। अब जब आप इनको बॉयल करते हो तो आप देखोगे, पहले अगर पानी को बॉयल करो, पानी उबलना जब शुरू हो जाए और पानी को आप ऊपर से ढक दो तो आप देखोगे ढक्कन जब हटाओगे ना तो ढक्कन के नीचे वाली सरफेस पे खूब ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे लगे होंगे वहाँ पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे इसको? दैट इज इवेपोरेशन। थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे, जो ये इवेपोरेट मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपस में कंबाइन होकर वापस इसमें गिरने लगेंगे, बर्तन में कंटेनर में आने लगेंगे। तो इस जो इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन, और जब आपस में मिल गए, कंडेंस हो गए, तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। मतलब जब वापस गिरने लगे तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। तो जिस टेम्परेचर पर, ध्यान रखना, जिस टेम्परेचर पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम हो जाएं, जितना पानी भाप बन रहा है उतना पानी नीचे आ जा रहा है, उस टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा दैट इज वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, ये मत समझना कि मैं नाइन्थ की बातें बता रहा हूं, ये ट्वेल्थ तक काम करेगा, आपको ध्यान रखना। ये वेपर प्रेशर कब? जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों फिक्स हो जाएं, उस समय जो प्रेशर होगा दैट इज वेपर प्रेशर, ठीक। और जब द पार्टिकुलर टेम्परेचर, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएं, उस समय का जो टेम्परेचर होगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। आप कह सकते हो सर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बिल्कुल फिक्स हो जाएं, सेम हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। उस पर लिक्विड आपका बॉयल करने लगेगा और इस प्रोसेस को बॉइलिंग प्रोसेस कहेंगे। टेम्परेचर को क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट नाम देंगे, ठीक है। इतनी तो बातें हमने सॉलिड में कर ली, नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।